उनका इकोनॉमिक सिस्टम हमारे मुताबिक है, न ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम हमारे मुताबिक है, न किसी और चीज का तस्वर हमारे मुताबिक है। खड़े होकर कहा था टोनी ब्लेयर ने, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, कि दे आर टेकिंग आवर लाइफस्टाइल फ्रॉम अस, ये हमसे हमारा लाइफस्टाइल छीनना चाहते हैं। मैं पूरे मुल्क से कितने लोग बैठे हुए हैं सवाल करता हूं, मेरा लाइफस्टाइल क्या है? मेरा लाइफस्टाइल ये बैंकिंग सिस्टम है? मैं खड़े होकर अपने वजीर आजम को खलीफा नहीं कह सकता हूं, क्यों कहूं मैं? मुझे बुरा लगता है, मुझे शर्मिंदगी होती है। अगर सुल्तान अब्दुल हमीद आखिरी खलीफे को भी खलीफा कहते थे, खजाब खराबियां थी, वजह उसको कहने से मेरा ताल्लुक 14 साल पहले बनता है अबू बकर सिद्दीक के साथ, मैं उससे वो चीज एक्सपेक्ट करता हूं। लेकिन जब मैं उसको वजीर आजम कहता हूं तो मैं उसको एक्सपेक्ट क्या करता हूं? उस शख्स से कि जिसके 10,000 अफेयर भी होते हैं, जो चोरी भी करता है। जब तक आप अपनी टर्मिनोलॉजी में बोलना, उठना, बैठना, चलना, फिरना नहीं सीखेंगे, उस वक्त तक आप कभी भी अपनी कह सकते आप वही पार्ट टाइम इस्लाम कर रहे हो जो करते हैं। पाकिस्तान का बुनियादी मकसद क्या था? हमने वाहिद इस मुल्क को 10 लाख लोगों ने शहादा ने कुर्बानी दी थी, उस टर्मिनोलॉजी से बाहर निकला था 1947 में। टर्मिनोलॉजी क्या थी? कौमें रंग से बनती हैं, नस्ल से बनती हैं, जुबान से बनती हैं, इलाके से बनती थी। हमने कहा था नहीं, हम तुम्हारी टर्मिनोलॉजी नहीं मानते, हम तुम्हारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं मानते, हम अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कौमें मजहब से बनती हैं, कौमें ला इलाहा इल्लल्लाह से बनती हैं। और उसके बाद हमने उस मुल्क के साथ वो किया है इसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। इस सारे सिस्टम में, इस सारे मामले के अंदर आखिरी बात जो करना चाहता हूं, फरमाया तो हम मिन कुल्ले हदब मिन सलू, वो तुम पे हर बुलंदी से हमलावर होंगे। आपकी सारी फहाशी कहां से आती है? सैटेलाइट से। आपका सारा बैंकिंग सिस्टम कहां से आता है? सैटेलाइट से। आपकी सारी इकोनॉमिक माइट कहां से आती है? सैटेलाइट से। आपके ड्रोन हमले कहां से आते हैं? सैटेलाइट से। आज हम जिस सरजमीन में रहते हैं उस सरजमीन का सिर्फ एक कर्ज है। 200 मुल्क हैं, हर मुल्क के बाहर तख्ती लगी हुई है। ये मिस्रियों का मुल्क है, ये शामियों का मुल्क है, ये फ्रांसीसियों का मुल्क है, ये बंगालियों का मुल्क है, ये फ्रांस का मुल्क है। मेरे मुल्क के बाहर अल्लाह की तख्ती लगी हुई है। 199 घर हैं, मेरा मुल्क मस्जिद है। मुझे इसलिए इससे मोहब्बत है। और जो मस्जिद के अंदर गंद डालता है, अल्लाह ताला फिर उसके साथ जो करता है, हमारे साथ वही हो रहा है। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।